समंदर की लहरें, एक छुट्टी वाला दिन और सुबह की चाय काफी है एक बेहतरीन दिन की शुरुआत के लिए। वेकेशंस के नाम से ही हमारे जहन में पहली तस्वीर लहराते समंदर और खूबसूरत बीचेस की आती है। समुद्र इंसान को हमेशा से ही आकर्षित करता आया है। शायद यही वजह है कि आज दुनिया के हर कोने में आपको अम्यूजमेंट पार्क्स मिल जाएंगे, जहां आधे से ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स होंगे। इंसान भले ही समुद्र में चमकते पानी के नज़ारे को एंजॉय करता हो, लेकिन जब बात आती है रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की, तो इंसान की तलाश नदियों से निकलने वाले ताज़ा पानी पर जाकर खत्म होती है। अपनी प्यास बुझाने के लिए आज भी हम ग्लेशियर्स से निकलने वाली साफ नदियों पर ही आश्रित हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी के पानी का लगभग 97% महासागर में मिलता है, जो कि खारा होने की वजह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ऐसी भी संभावनाएं हैं कि इस खारे पानी को फ्रेश वाटर से रिप्लेस किया जा सके? क्या ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है कि रातों रात खारे पानी के समंदर फ्रेश वाटर ओशन में तब्दील हो जाएं? जरा सोचिए, 21वीं सदी में जहां बढ़ती जनसंख्या पानी के अभाव से जूझ रही है, वहां फ्रेश वाटर ओशन कितने कारगर साबित होंगे। क्या होगा अगर ओशन और कुएं में मिलने वाले पानी में कोई अंतर ना हो? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह और ये है थिंक इफ, और आज हम जानेंगे कि क्या होगा अगर समुद्र में मौजूद सलाइन वाटर अगर फ्रेश वाटर में तब्दील हो जाए। बिना खारे पानी वाली पृथ्वी सुनने में तो इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं लगती, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? ताजे पानी को लेकर जिस विकास की हम कल्पना कर रहे हैं, क्या परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही होंगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसे तुरंत बदल लीजिए, क्योंकि जिस पहलू को हम बताने जा रहे हैं वो इसके विपरीत स्थितियों की ओर इशारा करती है। इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर हमारे समुद्र खारे पानी के क्यों हैं? आज से 3.6 बिलियन ईयर्स पहले तो ऐसा नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रेश वाटर ओशन खारे पानी में तब्दील हो गए? अपने शुरुआती दौर में जब पृथ्वी ठंडी हुई तो इस पर मौजूद वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में आकर महासागरों में भर गया। पानी उस समय ताज़ा, साफ और अपने प्योरिटी के फॉर्म में था। जी हाँ, बहुत समय पहले पृथ्वी का सारा पानी मीठा था, जिसकी आज लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। पानी की ये प्योरेस्ट स्टेट ज्यादा समय तक अपने अस्तित्व में नहीं रही। ग्रह के ठंडा होने के तुरंत बाद क्लाइमेट साइकिल अपने काम में जुट गई। दरअसल जब भी बारिश हुई, एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल गई, जिससे बारिश का पानी धीरे धीरे एसिडिक होता गया। इसके बाद बारिश ने चट्टानों को नष्ट करना शुरू किया और साथ ही नदियों और नालों में डिपॉजिट होना शुरू कर दिया। बारिश का पानी अपने साथ रॉक्स के मिनरल्स और सेलेनिटी को बहा कर लाए और नदी के पानी में डिसॉल्व हो गए। इसके अलावा हाइड्रोथर्मल और वॉल्केनोज से भी मिनरल्स और सॉल्ट निकले, जो ओशंस में जा मिले। 3.8 बिलियन ईयर्स तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, जिसकी वजह से इतना नमक बना कि आज पृथ्वी पर पाया जाने वाला 97% पानी सलाइन है। हम जानते हैं कि हमारा वाटर कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है, जबकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। माना जा रहा है कि दुनिया का एक तिहाई हिस्सा आने वाले समय में पानी की पहुंच से अछूता रह जाएगा। इन आंकड़ों के साथ मीठे पानी के महासागरों का विचार एक आवश्यकता के रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन बिना खारे पानी वाले समंदर मरीन लाइफ को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। समुद्र लगभग 2,30,000 से भी ज्यादा नोन सी स्पीशीज का घर है, और अनुमानित 2 मिलियन स्पीशीज समुद्र में ऐसी हैं जिनके अस्तित्व से हम आज भी पूरी तरह अनजान हैं। ऐसी स्थिति में अगर समुद्र फ्रेश वाटर में तब्दील होता है तो ये सभी प्रजातियां अपना अस्तित्व खो देंगी। प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन, जो सी वर्ल्ड की नींव मानी जाती हैं, वो बुरी तरह प्रभावित होंगी। हालांकि कुछ प्रजातियां, जैसे कि सैल्मन, ने खुद को सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के हिसाब से ढाल लिया है। ये मछली दोनों तरह के पानी में जिंदा रह सकती है, लेकिन 1,000 में से केवल एक ही प्रजाति में ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं।
बाकी प्रजातियां ऐसी एबिलिटी विकसित करने में असमर्थ हैं। केवल समुद्री जीव ही नहीं बल्कि समुद्री पौधों का जीवन भी इस प्रक्रिया से बुरी तरह प्रभावित होगा। हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे प्लैनेट और ऑक्सीजन के लिए बेहद जरूरी है। ये वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। हमारे ग्रह पर होने वाले लगभग आधे से भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए पानी के नीचे पाई जाने वाली एल्गी जिम्मेदार होती है। ऐसे में एल्गी के बिना न केवल हमें कम ऑक्सीजन मिलेगी बल्कि हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी जो कि वातावरण को गर्म करने का काम करेगा। कम फोटोसिंथेसिस और बहुत ही वोलेटाइल क्लाइमेट कंडीशंस हमारी पृथ्वी के डाइवर्स प्लांट लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा। हमारी फूड चेन धीरे धीरे ढह जाएगी और ऐसी स्थिति में इंसान भी धरती पर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। सलाइन वाटर के खत्म होने का गहरा प्रभाव हमारे मौसम पर भी पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना हमारे वातावरण को गर्म तो बनाएगा ही, साथ ही ये बदलाव हमारे इक्वेटर पर साफ नजर आएगा, क्योंकि हमारे ओशन करेंट्स वार्म वाटर और एयर करेंट्स को सर्कुलेट नहीं करेंगे। दरअसल कन्वेक्शन करेंट्स इक्वेटर से वार्म वाटर को नॉर्थ की ओर ले जाते हैं, जबकि नॉर्थ से कोल्ड वाटर साउथ में हॉट रीजन को कूल करने में मदद करता है। इक्वेटोरियल रीजन पर वार्म वाटर ज्यादा सॉल्ट को कैरी करते हैं जो कि डेंस वाटर को नीचे सिंक करता है और कूलर वाटर को ऊपर फ्लो करने में मदद करता है। वहीं नॉर्थ रीजन की अगर बात करें तो इस रीजन में पानी इतना ठंडा हो जाता है कि ये सी आइस को जन्म देता है। जब पानी जमता है तो सॉल्ट पीछे रह जाता है, ऐसे में ये पानी को नॉर्थ रीजन में ज्यादा डेंस बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सॉल्ट वाटर की एक अहम भूमिका होती है। बिना सॉल्ट वाटर के ये पूरी प्रक्रिया टूट सकती है जो कि मौसम पर एक कड़ा प्रहार कर सकती है। बिना सॉल्ट वाटर के धरती पर लगातार हुरिकेन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो आज जिस वातावरण को हम देखते हैं ये बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा। धरती पर जहां पोल्स पर जमा देने वाली सर्दी होगी, वहीं इक्वेटर पर शरीर को पिघला देने वाली गर्मी। ऐसा वातावरण कई तरह के डिजास्टर्स को जन्म देगा। बिना मरीन बायोलॉजी और प्लांट्स के इंसानी जीवन भी ज्यादा समय तक धरती पर नहीं रह पाएगा। ये कैसी विडंबना है कि आज इंसान ताजे पानी की शॉर्टेज के चलते बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन अगर पृथ्वी ताजे पानी के भंडार से संपूर्ण भी हो जाए तो भी हमारा धरती पर जीना नामुमकिन हो सकता है। वो कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, शायद ताजा पानी भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।